गोयल और कलेक्टर अवनीश अविनाश लवानिया ने गोविंदपुरा स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचकर कोरोना कमांड सेंटर का जायजा लिया। कोरोना कमांड सेंटर में होम आइसोलेशन में रह रहे स्वास्थ्य हॉल मरीजों का विशेषज्ञ वीडियो कॉलिंग के जरिए ले रहे हैं। स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल ने कहा है कि आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में हो रही देरी पर गोलमोल जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए रैपिड टेस्ट का इंतजाम कर रहे हैं। रैपिड टेस्ट रिपोर्ट और कोरोना जैसे लक्षण नजर आते ही इलाज शुरू हो जाता है। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में देरी हो रही है, बाद ही प्राइवेट लैब को भी टेस्ट की अनुमति दी जाएगी। राजधानी भोपाल में कोरोना के आंकड़े झुकाने वाले आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा स्थित एक ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिस प्रकार से जो संक्रमित मरीज आते हैं आइसोलेशन में रहते हैं, उनके लिए ये सेंटर बनाया गया है। इसमें लोगों की हेल्प की जाती है, उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं आइसोलेशन मरीज को प्रतिदिन पूछे जाने वाले प्रश्न वाली सवाल हैं। आज आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या आप बुखार आया, यदि आया है तो थर्मामीटर हमारे साथ कुछ कर्मचारियों किस तरह से आप लोगों की हेल्प की जाती है। यहाँ पर हम लोग कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं और वहाँ पर हम लोग ये सवाल पूछते हैं उन लोगों से, जो भी उनकी तकलीफ़ होती है उससे रिगार्डिंग हम उनकी हेल्प करते हैं। अगर उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है हम तो हॉस्पिटल में कॉल करके उनको बेड की अवेलेबिलिटी देते हैं और फिर वहाँ पर उनको हम उनको भेजते भी हैं। सकते हैं कर्मचारी को साफ तौर से ये कहना कि यहाँ लोग जो मरीज जो आइसोलेशन में रहते हैं उनकी हेल्प की जाती है। यहाँ कलेक्टर अविनाश लावानिया भी पहुँचे हैं निरीक्षण करने। जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा लगातार पूछ रहा है, हम उनसे बात करना चाहिए। सर किस तरह से निरीक्षण करने पहुँचे हैं आप? सर किस तरह का निरीक्षण करने पहुँचे हैं आप? बाकी लोग आ जाए। अच्छा ओके। अच्छा बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर है, ये हमारा जो भी पेशेंट्स प्रतिदिन कोई पॉजिटिव आते हैं जिनके द्वारा टेस्ट कराया गया, उनकी सुविधा के लिए है और उनकी जो मॉनिटरिंग स्टार्ट होनी है, पहला बात उनको असेस करके ठीक से कि उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको क्या कोई अन्य बीमारी है या उसका कितना रिस्क है, अकॉर्डिंगली उसको होम आइसोलेशन के लिए असेस किया जाता है। और अगर उनको कहीं एडमिशन कराया जाना तो उसको एडमिशन कराया जाता है। देख सकते हैं हमारे साथ कलेक्टर अविनाश लावानिया भी मौजूद है, उनसे बात करने। सर किस तरह का निरीक्षण किया? तो देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल जो एक कंट्रोल रूम बनाया है, उस जो संक्रमित मरीज आते हैं उनके लिए आइसोलेशन में जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण किया जाता है। कैमरा मैन आमिर के साथ सनी मालवीय, न्यूज़ 24 भोपाल।